नमस्ते भाई और बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं संगीता जोशी बोल रही हूँ। आज मैं आपको 17 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तमसे श्री गुरुवे नमो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर प्रश्न किया, हे भगवान कृपा निधान जी, पुरुष अपनी बुद्धिमता से शास्त्रीय विधि को नहीं समझ सकते, और जो तुम अविनाशी परमानंद को समुद्र ऐसा पहचान कर तुम्हारी शरण आते हैं, तुम्हारे भक्त हुए हैं, तुम्हारा स्मरण भजन करते हैं, तीन पुरुषों ने क्या शास्त्रों की विधि को पहचाना है? और हे भगवान जिन प्राणियों ने तुम परमानंद अविनाशी समुद्र को नहीं पहचाना, उन प्राणियों ने शास्त्र की विधि नहीं पहचानी है। परम पवित्र पुरुषोत्तम जी, जिन मंद भाग्य मनुष्यों ने शास्त्र की विधि से जो तुम्हारा भजन है उसको त्याग कर श्रद्धा से और दूसरे देवता की सेवा पूजा की, सो हे कमल नयन कृपा निदान जी, वे प्राणी राजसी हैं या तामसी हैं? मुझे ये भेद समझाओ। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। अर्जुन की विनती सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, पूजा करने की श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, जो बिना यत्न के ही मनुष्यों में जाग उठती है, सात्विक और राजसी और तामसी। मैं उसको भिन्न भिन्न कहता हूँ। हे अर्जुन, जिनकी सात्विक प्रकृति है वह एक ही भगवान को सर्वव्यापी जानकर सबके साथ श्रद्धा रखते हैं, सबको सुहृदय भिन्न होकर व्रतते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। अब राजसी प्रकृति सुन, जो यज्ञों में मन से राक्षसों की पूजा करें, और तामसी प्रकृति सुन, प्रेत भूतगण आदि जो तामसी जन हैं, इनमें उनका मन लगता है जो दैत्य असुरों की तपस्या करते हैं, जो शास्त्रों में नहीं कही गई हैं, जिनके देखने से डर लगता है, ऐसे जो तामसी लोगों को दिखाने के लिए तप करते हैं और मन में फल की कामना करते हैं, ऐसा तप करते हुए शारीरिक कष्ट भी होता है, उनके देह में मैं आत्माराम बसता हूँ, सो वे मुझको ही दुख देते हैं, ऐसे जो अंधमति अज्ञानी तप करते हैं, उन्हें तो दैत्य तपस्वी जान, यह तप दैत्यों का है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। हे अर्जुन, अब आहार के भेद सुन। आहार भी तीन प्रकार के हैं, यज्ञ भी तीन प्रकार के हैं, और दान भी तीन प्रकार के हैं। अब अलग अलग इनके भेद सुन। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। पहले सात्विक आहार सुन। जिसके खाने से आयु बढ़ती है, ऐसा भोजन देवताओं को मिलता है, जिसका पान करने से देवता अमर हो जाते हैं। मनुष्यों का आहार सुन। जिसके खाने से देह में बल पुरुषार्थ हो, आरोग्य हो, जिसके खाने से मन में प्रीति उपजे, और जो रस स्वाद से भरा हुआ घी से सिंगल दाल चावल कोमल फूल के घृत से चुपड़े हुए और नरम, यह सात्विक आहार कहलाता है, यह मनुष्यों को प्यारा है। अब राजसी आहार सुन। मीठा खट्टा चटपटा तीखा, जिसे खाने से मुख जले और रोग उपजे दुख उपजे, ऐसे बुरे फल जिसके खाने से मिलते हैं, यह आहार राजसी मनुष्यों को प्यारा है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय हो। अब तामसी आहार सुन। जो रात का बासी हो और स्वाद भी जिसका मिट गया हो, जिसमें से दुर्गंध आती हो, किसी का जूठा बचा हुआ, यह आहार तामसी आहार है, यह तामसी मनुष्यों को प्यारा है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। अब तीन प्रकार के यज्ञ सुन। पहले सात्विक यज्ञ कहता हूँ, ऐसा यज्ञ जिसमें फल चाहने की कामना नहीं और जो शास्त्रों की विधि अनुसार किया गया है, और यज्ञकर्ता कहे कि मुझको यज्ञ करना योग्य है, जो इस प्रकार सावधान होकर यज्ञ करे तो यह यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है। अब राजसी यज्ञ सुन। जिसके करने से में फल की इच्छा करता है या लोगों से भला कहलवाने के निमित्त यज्ञ करता है, हे अर्जुन, ऐसे यज्ञ को तू राजसी यज्ञ जान। अब तामसी यज्ञ का वितरण सुन। जिस यज्ञ में शास्त्र की विधि नहीं, मन भी पवित्र न हो, वेद में के मंत्र भी न हो,
जिस यज्ञ में शास्त्र की विधि नहीं, मन भी पवित्र न हो, वेद के मंत्र भी न पढ़े जाएं, यज्ञ के बाद साधु ब्राह्मणों को दक्षिणा भी न दी जाए, जिसमें यज्ञकर्ता की श्रद्धा भी न हो। हे अर्जुन, ऐसे यज्ञ को तो तामसी यज्ञ जान। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय हो। अब तीन प्रकार का तप सुन, पहले देह का यज्ञ कहता हूँ। जहाँ कोई छोटा जीव हो उसको देखकर पैर धरना, किसी जीव को दुख न पहुँचाना, यह चरणों का तप है। यह चरणों का तप है। देह को जल मृतिका के साथ स्वच्छ रखना, दांतुन करना, स्नान करना, आचमन करना, तिलक लगाना, शालिग्राम की पूजा करना और अपने से बुद्धिमान तथा परमेश्वर का रास्ता बताने वाले की पूजा करना, ब्रह्मचर्य रखना। ब्रह्मचर्य क्या है यह सुन। हे अर्जुन, जो गृहस्थी हो तो पराई स्त्री को न छुए, जो विरक्त वैरागी हो तो स्त्री का नाम भी न लेवे, मन में किसी स्त्री का चिंतन भी न करे, यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। माता पिता की सेवा करे, इस प्रकार शरीर का तप करना उचित है। अब वचनों का तप सुन। प्रथम तो सत्य बोलना। कैसा सत्य? जिसके बोलने से सुनने वाले को दुख न पहुँचे, मीठी वाणी बोले, मधुर स्वर में प्रत्येक को संबोधित करे, भाई जी, संत जी, प्रभु जी, मित्र जी, अर्थात जिस वचन से सुनने वाला प्रश्न हो ऐसा वचन बोले, और जो कोई उसे बुलावे तब ऐसा बोले, हाँ जी, भाई जी। इस प्रकार के वचन तपस्या है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। और वचन तप सुन, और ये उनके वचन तपस्या है। और वचन सुन। वेद माता अर्थात गायत्री पढ़े, वेद माता अर्थात गायत्री पढ़े, वेद पाठ करे, शास्त्र शीर्षा पुराणों ने स्त्रोत पढ़े, और कथा में जो मेरी लीला है, अवतारों के चरित्र पढ़े, कीर्तन विष्णु पद गावें, इस प्रकार वचन तप करें। हे अर्जुन, अब मन का तप सुन। पहला मन का तप तो ये है कि मन को प्रसन्न रखें, फिर मेरी जो प्रीति अमृत रूप है, मन की प्रीति मेरे में लगाएं, और चिंताओं से मन को हटाकर मन का निश्चल चेता मेरे में लगाएं, और मन को शुद्ध करें, मुझ में श्रद्धा लगाएं, मुझसे प्रीति करें, यह मन की तपस्या कहलाती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय हो। अब श्वासों की तपस्या सुन। हर सांस में मेरा स्मरण करना, हरि राम कृष्ण इत्यादि मेरे नामों का जप करना, शास्त्र नाम सतनाम पढ़ना, यह श्वासों का तप है। अब इस तपस्या के तीन भी सुन। मैंने जो देह मन वचन और श्वासों से तप करना कहा है, जो प्राणी परम श्रद्धा से ऐसा करता है वह मुझको आ मिलता है। प्रीति से प्रेम से तपस्या करें और फल की कोई इच्छा न रखें। मुझ ईश्वर अविनाशी में संपन्न करें, जो सात्विक तप कहलाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। और जो भोगों में वह वायु बटोरने का को तप करें और अपनी पूजा प्रतिष्ठा अपनी मानता कराएं, यह पाखंडी तपस्या राशि तपस्या कहलाती है। यह तपस्या स्तर नहीं चलायमान है। अब तामसी तपस्या सुन। जो अज्ञान को लिए हुए तप करें, और जिस तप से शरीर को कष्ट हो या किसी का बुरा करने के निमित्त तप करें, यह तामसी तपस्या कहलाती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय हो। अब तीन प्रकार का दान सुन। पहले सात्विक दान सुन। जो इस प्रकार दान करे, यह दान करना आवश्यक है और मैं सर्वस्था इसके योग्य हूँ, वह उत्तम ब्राह्मण गृहस्थी को दान दे और मन में कोई इच्छा न रखे। ब्राह्मण किसी संबंधी का या अपना संबंधी न हो और वह अति पवित्र हो, पृथ्वी को गौ के गोबर से लीप कर स्वच्छ करे तथा आसनों में भी कोई भेदभाव न करे, प्रातः काल को स्नान करके स्वयं सुकर्मी हो, इस प्रकार दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। सात्विक दान दे जब फल की इंसान को कुछ इच्छा न हो, नेक ब्राह्मण शुभ समय स्थान भी भद्दा न हो। राशि दान, दान देते वक्त जब हृदय में कोई ध्यान है, दान दिखलावे का हो तो राशि दान है। तामसी दान बेवक्त हो बिना शुद्ध और अशुद्ध दान स्थान, बेवक्त हो बिना शुद्ध और अशुद्ध स्थान है। पहला भोजन दुर्वचन कह तामसी यह दान है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। अब राजसी दान सुन। ऐसे ब्राह्मणों को दान देना जिससे
अपना कुछ उपकार हो, दान देते वक्त फल की इच्छा मन में हो, यह दान राजसी दान कहलाता है। और तामसी दान क्या है, सो सुन, न तो स्थान पवित्र हो और ना ही समय उपयुक्त हो, कुछ भोजन करके दान करे और ब्राह्मण भी इसी प्रवृत्ति का हो या किसी और जाति का के मलेच्छर आदि को दान देवे, क्रोधित होकर या गाली देकर तथा दुर्वचन कहकर दान देवे, ये तामसी दान कहलाता है। बोलो ये तामसी दान कहलाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय हो। हे अर्जुन जिसके पार ब्रह्मा, हे अर्जुन जिसको पार ब्रह्मा कहते हैं, कैसा पार ब्रह्मा, जिसके रजोगुण से संसार की उत्पत्ति करने को ब्रह्मा, सात्विक गुण से संसार का पालन करने को विष्णु और तमोगुण से संसार के सहारने को महादेव हुए हैं, संसार को सहारने को महादेव हुए हैं, ऐसा जिस पार ब्रह्मा ने यह ब्राह्मण की प्रकट किए हैं, उसी ने यह यज्ञ बनाए हैं, वेदों की विधि को समझकर ज्ञान दान तपस्या स्नान और दूसरे को पवित्र कर्म इत्यादि हैं, सब वेदों को समझकर करते हैं। अब यज्ञ दान और तपस्या का फल सुन। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। जो प्राणी इसका फल नहीं मांगते, केवल मुक्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें ही मुक्ति मिलती है, वही मुक्ति पाते हैं। और जो प्राणी किसी कामना को लेकर शुभ कार्य करते हैं, वे कामना को ही पाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय हो। हे अर्जुन जो मेरा भक्त प्रेम और श्रद्धा से पत्र फल पुष्प जो कुछ भी मुझे समर्पित करता है उसे मैं अंगीकार करता हूँ। किस प्रकार करता हूँ, यह सुन। प्रथम तो मुझे सत्य जाने कि यह जो कुछ भी मैं परमेश्वर को समर्पण करता हूँ, इसे गोविंद जी अंगीकार करें और अपने आप को जाने कि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, अपने में और मेरे में कोई भेद न जाने और मुझे मुख से कहे कि मैं मन कर्म वचन से परमेश्वर का दास हूँ। मेरा दास होकर यह मन वचन और कर्म से जो कुछ भी मुझे समर्पित करता है, मैं उसे अंगीकार कर लेता हूँ। ऐसे भक्त का दिया हुआ मुझको प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। और हे अर्जुन जो कोई श्रद्धा से रहित होकर मेरे निमित्त कुछ पदार्थ अग्नि में होम करे, दान करे, तप करे और सत्य कर्म करे, उन्हें मैं अंगीकार नहीं करता। और जो कोई अपने पितरों के निमित्त दान करता है, उसको वह भी अंगीकार नहीं करते हैं। श्रद्धा प्रेम से रहित होकर दिया हुआ दान किन्हें प्राप्त होता है, यह सुन। उसका फल भूतों की देह धरकर भोगना पड़ता है। भूत प्रेत उस फल को भोगते हैं, वह मुझको प्राप्त नहीं होता और मैं भी उन्हें ग्रहण नहीं करता हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। हर हर महादेव की जय हो। हर हर महादेव की जय हो। जी बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।